स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ऑटो रोटी स्क्रीन सेटिंग हम कैसे इनेबल कर सकते हैं, यानी कि ऑन कर सकते हैं और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये नोकिया का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे और सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, डिस्प्ले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके का आइकन शो करेगा, आपको इधर की साइड स्क्रॉल करना है और भी सेटिंग्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं ऑटो रोटेट स्क्रीन, तो राइट साइड से हम इसे इनेबल कर लेंगे, यानी कि ऑन कर देंगे। सॉरी फ्रेंड्स, ये देखिए ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद इनेबल कर दिया है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना यूट्यूब चलाएंगे, यूट्यूब चलाने के बाद आप इसे रोटेट करके चलाना चाहते हैं इस तरीके से, तो आपका ही रोटेट हो जाएगा ये देखिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।